भैया से अलग हो जाओ। और हमारे बड़े भैया की औरत भी नहीं है, और इकलौता बेटा कमल सिंह जो मेरा भतीजा है, वो उस बेचारे की क्या हाल होगी। बहुत बुरा हाल होगा बाबू साहब। अगर मैं भैया से अलग नहीं रहूंगा तो हमारी धर्म पत्नी मुझको छोड़कर चली जाएगी, और इसे छोड़ता हूं तो हमारे भैया मुझको छोड़ देंगे। चलो मेरे साथ। जी हाँ चलो। तो पीना हराम है, पिलाना हराम है, तो पीना हराम है और पिलाना हराम है, और पीने के बाद होश में आना हराम है। चिराजी पटेल भट्टा मालिक, वार्ड नंबर 36 के जिला पंचायत सदस्य, 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। कोट सा धन्यवाद। महाराज के चरणों में दास का प्राप्त। खुश रहो आचार्य मुन्ना बेचारा, कहो हमारे राज्य का क्या समाचार है। महाराज आपका राज बिल्कुल हरा भरा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। एकदम प्रजा खुशहाल है, आपकी जय जयकार कर रही है महाराज। बहुत अच्छी बात है, प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही हुआ है महाराज। हर चर जो 90 चल रहा है। कहिए महाराज। हमारा बेटा कमल आज कई दिनों से कॉलेज से लेट ही करके आता है, वो देखो इस समय है कहाँ। ठीक है महाराज। यार दोस्त में थोड़ा बहुत लेट हो ही जाए महाराज, कॉलेज का बात है। हर चंद 90 चल रहा ये तो ठीक कह रहे हो, मगर आज कई दिनों से वो लेट ही करके आता है, वो देखो उसका पता करो इस समय है कहाँ हो। ठीक है महाराज, आप बैठ जाइए, मैं पता करता हूँ। मेरा भी आज ठीक है, लेकिन ये बताओ किस लिए पिताजी याद किए हैं। पिताजी इसलिए याद किए हैं, आजकल कॉलेज से बहुत लेट आवा। अच्छा, और पिताजी के मालूम हो गया है। अच्छा, वही सोच रहे हैं कि क्यों लेट करके आते हैं। पहले चलिए पिताजी के पास, पिताजी से मुलाकात करिए। चलो ठीक है। नब्बे चल रहा,
तुम बहुत जल्दी में हो क्या? हमरा ही जल्दी में ही। हाँ। आपके पिताजी अकुलात हैं, घबरात हैं। जानत है एकलौता लड़किया है। हाँ। एकलौता लड़किया चाहे जकरे हो ओकर दिमाग ठीक नहीं रहत, हमेशा आंख के सामने देखे चाहत। ये बात तो ठीक है, लेकिन चलो चले कैसे कुछ कहे चाहत है भैया। पटेल जी जिस दिन वो माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी उस दिन हमारे उस परिवार को कितना दुख हुआ होगा। दो दिन की जिंदगानी ने प्राणी काहे पर तुम्हारे आया तो है आ जानी
छोटे लाल पाल और बबलू पाल दोनों भाई ने मिलकर के इस जीत पर खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी तरफ से कोटि धन्यवाद। पिताजी के चरणों में कमल बेटे का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा, कहो पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी, इसमें कॉलेज में पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है और परीक्षा का समय भी आ गया है। सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। कमल, हाँ पिताजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी बताइए क्या बात है? बताओ क्या सबब बेटा, क्यों चेहरे पर उदासी है? तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसे है? बता रहा हूँ पिताजी, अगर पिताजी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पिताजी, मैं अवश्य जानना चाहता हूँ। तू किस चाचा की बात कर रहा है? कहीं राम राज की तो बात नहीं कर रहा? हाँ हाँ पिताजी, मैं अपने चाचा राम राज की बात कर रहा हूँ। राम राज क्या कर रहे थे? पिताजी, आज मैं कॉलेज से आ रहा था तो देखा छोटी हवेली के पास चाची मोना और चाचा राम राज सिंह बैठ कर कुछ बात कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वहाँ भी यही बात हो रही थी चाचाजी। पिताजी, जो हमारे घर में खुफिया खजाने का नक्शा है और ये धन दौलत है, ये जमीन जायदाद है, ये सब ऐसे कभी हासिल नहीं हो सकता पिताजी। उसके बाद क्या हुआ? पिताजी, उसके बाद चाची मोना चाचा रामदास सिंह से यही बात कह रही थी। वो क्या कह रही थी? अगर इसे हमें हासिल करना है तो सबसे पहले अभयराज सिंह को इस दुनिया से मिटाना होगा और कमल की दोनों आंखें फोड़ कर घर से बेघर करना होगा पिताजी। वाह वाह कमल वाह। राम राज नशे में कुछ कह दिया और तूने उसकी बातें अपने दिमाग में रख लिया। पिताजी, शायद आपको ये मालूम नहीं पिताजी कि चाचा जी नंबर एक के शराबी हैं, जुआरी हैं, अय्यशबाजी करते हैं, कोठे भी जाते हैं। पिताजी, कमल, राम राज कुछ भी है कैसा भी है,
फिर भी वह हमारा भाई है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। पिताजी आपको चाचा जी पर इतना विश्वास है? पिताजी बिल्कुल है बेटा, वो हमारा छोटा भाई है। अरे पिताजी मैं भी तो आपका लड़का हूँ, कमाल, तू हमारा लड़का जरूर है, रामराज हमारा भाई है। और भाई का मतलब दाहिना हाथ होता है, रामराज ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर आपको चाचा जी पर इतना विश्वास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए मेरी भी एक बात। कहिए क्या कहना चाहते हो? अगर भगवान हमें पैदा किया है और दो वक्त की रोटी देता है, जिला खिला रहा है, इतना बड़ा किया है, तो कभी बाल नहीं बका होने दूंगा। सुनिए कहिए क्या कहना है? अरे रहो भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। लेकिन वो किसी का भगवान नहीं हो सकता पिताजी। बेटा ये ठीक कह रहे हो, तू जाओ महल में खा पी करके आराम करो और रामराज की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये बात अपने आप दिमाग में ख्याल रख रहा पिताजी, मैं जा रहा हूँ पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। हर साल को 90 साल हमारा छोटा भाई राम राज वो नशे में कुछ कह दिया और हमारा बेटा कमल उसकी बातें अपने दिमाग में रख लिया। बाबू साहब तुम्हें मैं यह जिम्मेदारी देता हूँ, राम राज की बातें कमल के दिमाग से निकाल के बाहर कर दो और उसके बहलाकर फुसलाकर कैसा भी करके रामराज की बातें उसके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हर्षल को नब्बे चल रहा कहिए, आज कई दिनों से हमारा भाई रामराज दरबार में नहीं आ रहा है। बैठिए महाराज। नब्बी चल रहा है, खुश रहो खुश रहो। देखो आज मैं बड़ी हवेली पर अपने भैया या भैराज सिंह के पास चल रहा हूं और नबी चौराहा तुम भी आज मेरे साथ चलो और आज मैं अपने दिल की बात अपने भैया के दिल के सामने रखना चाहता हूं। आओ बड़े भैया के चरण में या छोटे भाई का शीश और ठंडे दिल से भैया अरे मुझको दीजिए।
जुग जुग तुम जीते रहो मेरे दिल के चैन, और तुझे देखने के लिए तरस रहे दोनों। कहिए राम राम, कैसे है राम राम मेरे भैया। आज मैं अपने दिल की एक बात और एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे इस हवेली पर आया हूं। क्या बात है मेरे भाई? और मेरा ये चिकाता है कि मैं बता दूं, और मेरा ये चिकाता है कि मैं रहने दूं। नहीं नहीं मेरे भाई, जो बात लेकर आए हो वो हमारे सामने पेश करो। तो सुनो भैया, मैं आपसे बताने जा रहा हूं किस लिए मैं आया हूं। अरे खोपिया खजाने का नक्शा मैं लेने आया हूं। तो खोपिया खजाने का नक्शा मैं लेने आया हूं, और मेरे भैया मैं सही आप से बताया हूं। यही बात है भैया, तेरा सोचा हुआ कुछ काम नहीं आया। मेरे भैया, आपसे मेरा कुछ और कहना है। वो क्या कहना है वो भी बता दो भैया। सुनो, और इसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। क्या कहानक से बेखिछु, अरे हमारा नहीं, और बात करते हुए कुछ बिचारा नहीं। भैया सुन रहे हो, ये चिका परिणाम क्या होगा कुछ भी सोचा नहीं, और नक्शे में क्या है अब हक हमारा नहीं। बताओ भैया, क्या खोपिया खजाने के नक्शे में क्या मेरा हक नहीं है भैया? अपने दिल से निकालो कहता है तुम्हारा। किसका हिस्सा है
कुछ है, मेरे भाई तुम्हें मिलेगा नहीं। मेरे भैया, जब हमारा हिस्सा और हक है तो भैया मुझे मिलना चाहिए। और कान खोल कर सुन लो मेरे भैया कि आपका भाई रामराव सिंह आपसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होना चाहता है। और जो जमीन और जायदाद है इसको बांट कर मेरा हिस्सा मुझको दिया जाए मेरे भैया। राम राम, इस समय उसका मालिक मैं हूं, तू नहीं। तू शराबी है इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। राम राम, जैसे पड़े हो वैसे पड़े रहो। मेरे भाइयों, इस हालात में तुम्हारा भाई रामराव सिंह कभी नहीं रहेगा। कान खोल कर सुन लो कि तुम्हें केवल 3 दिन के लिए मोहलत देता हूं, और इसलिए कि कल होली होगा और परसों जब तुम्हारे इस हवेली पर आऊंगा तो भैया सोच लेना, ये रामराव सिंह तुम्हारा भाई तुमसे अपना हिस्सा अवश्य बताएगा। तो भैया मैं जा रहा हूं, मगर सोच विचार लेना, 3रे दिन अवश्य मैं आऊंगा। ये देखो मेरा छोटा भाई है, मैं इसे राज कर दूं तो यह राज को बेराज कर देगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ। देखा महाराज, ऐसे पियक्कर खवक्कर में नहीं, अगर कुल एक कुल बेची बाज के पी खाई जाए कोनो भरोसा नहीं ना। हर चल पुरनो बेचो रहा, मैं तुम्हें एक राज की बातें बता रहा हूँ। क्या महाराज? मैं यह सोच रहा हूँ कि कन्हैया हमारे खानदान में सबसे बड़ा लड़का है और वो हमारे भाई का लड़का है। वो ननिहाल से आ रहा है और ननिहाल से आते ही उसे यहाँ का सम्राट बना दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हमारा सोच गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, आपका सोच बिल्कुल सही है। रामराज राजा बनने लायक नहीं है, एकदम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ का उसे राजा नहीं बनाऊंगा। ये आपका विचार एकदम अच्छा है बाबू साहब। तो ठीक है, दरबार को ठीक ठाक से ही देखना, अब मैं जा रहा हूँ। चलिए महाराज।
लोग नमस्ते नमस्ते। और कहिए। और तो ठीक है, अपना बताइए। अपना भी सब ठीक है। ये बताओ हमारे फुआ कैसे हैं? हमारे फुआ कैसे हैं? तुम्हारे फुआ एकदम बिल्कुल ठीक ठाक कहाँ? ये बताओ, मैं अभेरा जी दरगाह में जाना चाहती हूँ, हमको रास्ता मालूम नहीं है, कृपया रास्ता हमको बताओगे? वही कॉलेज में तो हम पढ़ी थे। हाँ तो वैसा करो, चले आवा, चले दोनों में साथ है। और बढ़िया बात है, बोलत बतिया जल्दी है जाए। चलो ठीक बात है, आवा चले चला। मन जोवा सारे तोरे आखी मुतिया के बटोलिया ने बका नहीं देखा हे खड़पतुआ के साले, तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है, ये बता तुम्हारे साथ में मैंने क्या ऐसी गलती किया तूने मन जोवा मुझको बोल रहा है? आखी नहीं देखा था, लड़ने भेज चला रहा है, तुम्हारा बार रास्ता है, सड़क चौड़ाई का नहीं का आनी हम आखी नहीं देखत है, आज चारे दिन भवा भाई आंख बनवावा है, सरकारी झपनी लगी है, लेकिन रोशनी इतना तेज बाटे कि काला चश्मा लगाए पड़ता है। और तो आज बोलते हा कि हमें आंखें नहीं देखते हैं, और ये बताओ ये तुम्हारे साथ में जो चल रही है तुम्हारी क्या लड़की है? क्या कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? बताओ तो हमें परिचय दे या यही परिचय दे तो से मतलब के है हमारा परिचय ले जा। हां यहां का मैं एक जमींदार हूं और तुम्हें मालूम नहीं है कि जो इस हमारे इलाके में इस रास्ते से गुजरता है तो उसे मैं एक दिन के लिए सजा देता हूं, और तुम बताओ कहां मैं रहने वाले हो और कहां को तू जा रहा है? ये बताइए, मैं जा रही अपने रास्ते, आपने आके हमको ठक्का मार दिया। तूने ठीक बोल रही हो कि मैंने धक्का मार दिया, और जो गलती करता है अपनी गलती को माशीस कोई कभी नहीं करता है। देखिए मैं एक शिकार का पीछा किया था और मेरे बंदूक की नली उस शिकार पे चल रही थी और मेरी निगाहें उस शिकार पे जमी थी, और इसलिए मेरी निगाह उस जगह पे थी। मगर ये बताओ तुम्हारी निगाहें किस चीज पे जमी थी? हमारी निगाहें हमारे रास्ते में थी, आपने बीच में आके धक्का दिया। तो बताओ तूने आज मुझे धक्का मार कर और मेरा शिकार छुड़ा दिया, तो बताओ इसमें हमारी गुस्ताखियां क्या है? तुम्हारी गलतियां है। चलिए अच्छा ठीक है बाबा, मैं मानती हूं मेरी गलती है, मैं अपने तरफ से गलती मान रही हूं, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। सुनो ये पंजाब है, मैं पंजाब का निवासी हूं, मेरा नाम बाबू राम राशन है। हमारे इस इलाके में और हमारे रास्ते पर तू चल रही हो और तुम्हें पता बताना ही पड़ेगा, तुमसे मेरा कुछ कहना है, सुनो। और किसी की हो छो करी बोलो क्या है तेरा
जा रही हो, बोलो क्या है तेरा बताओ तुम किसकी लाडली हो और कहां से तू आ रही हो और कहां को तू जा रही हो और ये बताओ तुम्हारा शुभ नाम क्या है। अभयराज इंटर कॉलेज में जाना चाहती हूँ, तुम्हारा वहाँ पे काम क्या है? मेरा वहाँ पे इम्तिहान है, पेपर देने जा रही हूँ। पेपर देने जा रही हो और मेरे को शुभ के नाम बुलाते हैं सुमन। तुम्हारा नाम सुमन है। बहुत अच्छा नाम है सुमन। जी हाँ बताओ। और पता मुकाम पूछने से बुराई नहीं है और आज तेरा यही इरादा है कि जो हमारे इस रास्ते से गुजरता है उसको मैं ये दिन के लिए बंदी बना कर अपने हवेली पर रखता हूं। इसलिए मेरा यही इरादा है कि आज तुम्हें बंदी बना कर अपने हवेली पर ले चलूंगा और मेरा यार कुछ कहना है। मैं अपने दिल की बातें बता रहा हूं, सुनो। अरे कहां जा रही हो मेरी गुलहसिया, सुन रही हो तो कहां जा रही हो अरे मेरी गुलहसिया, और तुझे देख कर हो रहा है पसीना। सुमन यार तुम्हें देखकर इस हमारे दिल में कुछ दिल में लहर उठने लगी है कि आज तुम्हें बंदी बनाकर अपने हवेली पर एक रात के लिए रखूंगा और कल सुबह होते ही तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। ठीक है सुनिए हमारी। जी हाँ बोलो। हो सुमन Yeah.
बंद करो, मुझको गाली दे रहे हैं तुम लोग, बाजा बाजा रहे हो। यह भाई बहन की बात फंस गई। सुमन देखो, इस तरह से तू अगर गाली देगी ना तो मैं बहुत गाली जानता हूँ, मगर एक गाली जरूर तुमको दूंगा। सुनो, सोचे न मन पियो हर टेढ़े मनाइले, हे आईचा हमारी रानी, हे आईचा हमारी चिराई, तो हसे जसुताई ले भाई कि आईचा हमारी चिराई। देखिए गाली देने से और गाली सुनने से कुछ निकलने वाला नहीं है। तुम हमारे साथ हमारे हवेली पर चलो और तुमको एक रूम दूंगा और आराम से खाना और पकाना और जी भर के सो लेना, उसके बाद कल सुबह तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं जाओगी तो आज भी, आज मैं अपने दिल की प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ में जरूर पूरा करूंगा। ये हमारा जिला और हमारा नगर है, तुम्हें अवश्य ले चलूंगा। चलो मेरे साथ सुमन। जाती हुई लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है। ये हराम जाता कमल मेरा भतीजा है और आज मुझे शर्म लग रहा है, इसी में मेरी भलाई है कि पतली गली से पहले निकल लूं। कमल बेटा, कमल बेटा, मुझसे बहुत गलती हो गई। देखो ये लड़की इस बियाबान में भटक रही थी और तुम जानते हो उस रास्ते से शेर और बबर आते हैं, इसलिए मैं इसको मना रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि चलो हमारे हवेली पर, एक दिन की तो बात है, रुक जाओ कल सुबह छोड़ दूंगा, मगर ये भाग रही रही है और तुम आकर मेरे ऊपर कोड़ा चला रहा है। जुबान बंद कर ले वरना तेरे बदन पर पनी हंटर चलाऊंगा ना, इतना हंटर चलाऊंगा तेरे बदन की सारी खाल खींच कर। ठीक है कमल, आज मैं तुम्हारा चाचा हूँ और तू मेरा बेटा है और बेटे के सामने आज मैं जुबान नहीं लड़ाऊंगा। मैं जा रहा हूँ बेटा, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जय हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।